सहरा के अंदर किस तरह से खूबसूरत और सरसब्ज पौधे यहाँ उगाए गए हैं, सब्जियाँ उगाई गई हैं। मूली है, पालक है जी, गाजर है, प्याज है, तूरी है और बैंगन है, टमाटर, ये अलग किस्म का हमारा प्रोजेक्ट एक ये है और एक खेत है उसमें भी है। वो जो हमने आपको प्लांट दिखाया था उस प्लांट से पानी के अंदर अंदर से ये पाइप दिया गया है, ये पूरी फसलों को खराब कर रहा है। ये जो हम जहाँ इस वक्त पहुँचे हैं ये जो है गंदम की फसल है। दोस्तों, थर की सैर की तीसरी किस्त हाजरत खिदमत है। मिट्टी से 41 किलोमीटर की दूरी पर डिप्लो का इलाका है, जिसके तपते सहरा में एक ऐसा मंजर हमारा मुंतजर था जिसे देखकर हम खुशगवार हैरत में डूब गए। रेतले टीलों के दरमियान सफ़र करते हुए अचानक सरसब्जो शादाब खेत आपका इस्तकबाल करेंगे, तो आपको शायद ही अपनी आंखों पर यकीन आए। वहां क्या देखा आप भी देखें। देखिए, मेरे बैकग्राउंड में अब मैं थोड़ा सा आपको एक सेल्फी मोड में जाके एक पीछे से पूरा मंज़र आपको दिखाते हैं कि मैं इस वक्त थर में मौजूद हूँ और थर के उस इलाके में जहाँ पर इसको डिप्लो कहा जाता है, डिप्लो के से थोड़ा आगे ही एक गांव है, कारोवेरी गांव, और उसमें ये प्लांट है और इसके पीछे मेरे वो सरसब्ज और शादाब ज़मीन है। अच्छा जी, हम इस वक्त जो हैं उस प्रोजेक्ट जिसका हम जिक्र कर रहे थे और इसका हम एक ओवरव्यू आगे भी आपको दिखाएंगे कि इस सहरा के अंदर किस तरह से खूबसूरत और सरसब्ज पौधे यहाँ उगाए गए हैं, सब्जियाँ उगाई गई हैं, और यूँ कह लें कि इस सहरा को जो है वो बाग में तब्दील कर दिया गया, एक टुकड़े को। और तो इससे ये साबित होता है कि अगर कोशिश की जाए तो बहुत सारे चीज़ों को इस ज़मीन को ज़खेज़ किया जा सकता है, हुकूमती मदद भी इसमें, हुकूमती तवज्जो भी जाए। तो सबसे पहले हम भाऊ भाई से बात करते हैं। भाऊ भाई, ये आप बताएँगे ये कब से अब प्लांट काम कर रहा है और कितना अच्छा हो गया इसको? लगा हुआ 3 साल हो चुके हैं जी, 3 साल से कम कर रहा है, हम सारी खेत आबाद कर रहे हैं। ठीक, ये इतनी हमारी ज़मीन है, एक प्लांट पे आबाद हो नहीं सकती है। अच्छा, एक और भी एक प्लांट की ज़रूरत है, यानी इसमें अगर एक प्लांट और लगाया जाए तो आप और भी ज़्यादा ज़मीन इसको ज़्यादा आबाद हो जाए, आबाद कर सकते हैं। उसके लिए मैं अलकंद फाउंडेशन पे और रिक्वेस्ट की है। ठीक, तो हमारे ये खेत में और भी प्लांट हो जाए तो हमारा गुजारा भी हो जाए। अच्छा, जो आप इसमें सब्जियाँ उगाते हैं कौन कौन सी सब्जी लगाते हैं इसमें? सब्जी इसमें मूली है, पालक है जी, गाजर है, प्याज है, तूरी है और बैंगन है, टमाटर। कितना कितना उग जाते हैं आप एक फसल, कितने उसमें तैयार कर लेते हैं? तैयार तो इसमें फसल तो हमारी बहुत कमाई है। अच्छा, हाँ, हमारे ये सब्जी है ना, सब्जी बेचते हैं मीठी। अच्छा, मीठी बेचते हैं, मीठी बेचते हैं। 2-3 हज़ार की रिपोर्ट होती है। अच्छा, डेली की 2-3 हज़ार रिपोर्ट होती है। अच्छा, डेली की 2-3 हज़ार रिपोर्ट होती है। जबरदस्त, इसलिए हम तो बहुत खुश हैं। अच्छा, वालों का बहुत शुक्रगुजार हैं। तो हमारे एक प्लांट तो नहीं है, हमारे इलाके में 4-5-6 प्लांट लगाए हुए हैं। अच्छा, हाँ, ये और किसी ने भी लगाए हैं? अलखदमत ने लगाए, अलखदमत लगाए और वामी और भी लगाए हैं। अच्छा, वामी फाउंडेशन है ना, अवामी फाउंडेशन ने भी लगाए। ठीक है, नहीं अवामी वो और है, ये वामी फाउंडेशन। अच्छा अच्छा, वामी फाउंडेशन उन्होंने लगाया है। अच्छा ठीक है, ये अलखदमत का हमारा प्रोजेक्ट एक ये है और एक खेत है उसमें भी है, इसके भी ये हमारा मामू है। अच्छा, बहुत गरीब है, इतना ये गुजारा इसका, ये खुशहाल है। हाँ, इतना खुश है ये, और ये इस फसल लगने से। हाँ, फसल लगने से और रिक्वेस्ट देते हैं। हाँ, तो हमारे इतना खेत पड़ा है, ये और भी प्लांट लग जाए तो हमारी पूरा खेत आबाद हो जाए। इस ये टैंक बनाया गया है, ये टैंक है, इसमें पानी जाके जमा हो जाता है। हाँ, इसमें पानी जमा होता है। ठीक, चले हम आगे चलते हैं, फसल को थोड़ा देखते हैं और कैसे ये पानी आगे तक जा रहा है। ये देखें, ये बैंगन की फसल है जी। ये अगर मैं आपको आगे जरा ऊपर व्यू दिखाऊँ तो ये देखें, ये टीले हैं, पूरे सहरा है, रेत है और की करके दरख्त हैं, लेकिन उसके दरमियान जब हम नीचे उतरें तो उसके दरमियान ये देखिए, दिलकश और सब्ज रंग के ये जो है वो आपके आँखों को बहुत ठंडक पहुँचाती है। ये देखिए, हम इस खेत के बीच में से गुजरे हैं। ये जो है ये क्या लगा, ये प्याज है, ये सर प्याज का बीज है, ये बीज लगाया उन्होंने प्याज का, देखें ये लगाया गया है और इसको फिर यहाँ से निकाल कर पूरे उसमें फैलाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बड़ी मिकदार में हो जाए। तो आप इस सब्जी को मार्केट ले जाते हैं? कौन सी मार्केट ले जाते हैं? डिप्लो और सलामकोट। अच्छा, मिठी
डिप्लो इस्लाम कोट मिट्टी ले जाते हैं, ले जाते हैं। तो दिन भर में कितनी हो जाता है आपका? 2-3 हज़ार हमारा पोड आती है, 2-3 हज़ार पोड आती है। ये गाजर है सारी? ये गाजर, गाजर सारी गाजर है। अभी ये छोटी हो गई है। तो गाजर कितनी है उसमें तैयार हो जाती है? गाजर को 3-4 महीने लग जाते हैं। और ये किस चीज़ का है? ये मूली है। ये मूली लगाई गई, ये मूली है, ये छोटी है। ये छोटी है। आप आपको हमें आपको आगे चल जाएंगे जी जी, और भी दिखाएंगे। चलें अब आगे चलते हैं। अच्छा ये पालक है सर, और ये इसमें आप खाद वगैरह इस्तेमाल नहीं करते? नहीं। ये देखिए, इससे एक और इसकी खासियत जो मैं इस अपनी मैसेज के जरिए पहुँचाना चाहता हूँ, इसमें कोई खाद नहीं इस्तेमाल की जाती, यानी ये पानी इतना ताकतवर है कि खुद ये खाद के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है हर तरह से। यानी इतना ताकतवर पानी है कि किसी खाद की और दिगर खर्चे की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ अगर यहाँ सोलर प्लांट लगा दिए जाएँ एक और, तो ये मज़ीद फसल जो है बहुत आबाद हो सकती है। हाँ बाबू, ये बताएं कि ये करीब के गांव को आप कैसे देते हैं सब्जी, बेचते हैं? हमारे गांव में जो लोग आते हैं ना जी, उसको ये भाजी है ना, उसमें फ्री देता हूँ। फ्री देते हैं? माशाल्लाह ज़बरदस्त। देखिए ये भी एक इतना बड़ा काम है ये इंसानियत का, मतलब इस गांव और देहात के अंदर अगर सब्जी फ्री मिल जाए तो मेरा ख्याल है फिर कोई अखराजात इंसान को सबसे बुनियादी चीज़ तो खाना पीना है, तो पेट का पालना है सबसे ज़्यादा। तो अगर वो आपको फ्री मिल रहा है तो और क्या चाहिए। देखें पानी जो फसलों को दिया जाता है, ये देखें वो जो हमने आपको प्लांट दिखाया था, उस प्लांट से पानी के अंदर अंदर से ये पाइप दिया गया है, और यहाँ से ये पानी ये जा रहा है, ये पूरी फसलों को खराब कर रहा है। ये अगर एक और लग जाए प्लांट इस तरह का, तो ये हम यहाँ से पूरा जो है पानी और इसके साथ साथ ये मूली है, साथ पालक है, ये सारी पालक है। और ये बाकी जो हिस्सा है जमीन का, ये इन्होंने भी ये देखा था, यहाँ पानी दे दिया गया। और यहाँ क्या उगाया गया इसमें? इस पालक और धनिया है। पालक और धनिया, ठीक, उसके लिए तैयार किया गया इसको। तैयार किया गया। और बीज डाल दिए इसमें? डाल दिया जी, बीज भी डाल दिए, बिल्कुल तैयार है। और कुछ ही दिनों में ये भी 6 दिन के बाद उगता है, 5-6 दिन के बाद ही उगता है, ठीक। इसको क्या कहते हैं? हर। हर कहते हैं। अच्छा, हर जो है ये हल के तौर पे इस्तेमाल होता है, जैसे हम हल कहते हैं, जैसे ट्रैक्टर में लगी होती है ना कीन वगैरह। जी 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 जी, हल होता है ये, गधे पे चलता है, गधे पे चलता है, ऊंट पे चलता है, ऊंट या गधा इसको जो है, ये गधे का है, ठीक, ये गधे का, ये गधे का कंध है ना, ये कंधे पे रखा जाता है, ठीक है, ये देखें, ये है तो कच्चा ही जो उसने कोर्स बनाया गया पानी के लिए, ये एक वे जो बनाया गया, ये है तो कच्चा, लेकिन ये बहुत ही अच्छे अंदाज में तरतीब से देखें किस तरह से यहाँ से इसको खोला गया, तो ये इस पूरी जगह पे जो पानी जो है, फसल जो है, इसको सैराब कर रहा है इस वाली जगह। ये देखें यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ से पानी जो है ये गंदम है। चलिए ये जो हम जहाँ इस वक्त पहुँचे हैं, ये जो है गंदम की फसल है, ये आपको दिखाते हैं पूरी, क्योंकि भी छोटी छोटी है। कितना है इसमें तैयार हो जाएगी ये गंदम की फसल? ये तीन माह लग जाएगा। चलिए 3 माह लगेगा तैयार होने में, फिर आएंगे हम गंदम को खाने के लिए और इसके इसमें रोटी खाएंगे, देखेंगे कि ये कैसी है। कितनी एकड़ है जमीन? ये जमीन तो 3 एकड़ है। 3 एकड़ है, वो 1.5 एकड़ जमीन जो है ना वो आबाद प्लांट पे है, वो आबाद प्लांट, 1.5 एकड़ जमीन हमारी खाली पड़ी है। खाली, और ये खाली जमीन पड़ी है, खाली पड़ी। हाँ, अगर यानी इसके लिए ये जमीन हम आपको दिखाते हैं इसके साथ, ये देखिए, ये कह रहे हैं इनका बाबू भाई कहना है कि ये पूरी जमीन खाली है, अगर एक प्लांट और लग जाए तो इस पूरी जमीन को भी आबाद किया जा सकता है। तो यही काम जो है वो अगर हो जाए, और हम जाहिर सी बात है इस मैसेज के जरिए, इस वीडियो के जरिए हम ये बात कह रहे हैं कि अरबाब इख्तियार तक भी ये बात पहुंचा रहे हैं, और अलखिदमत जो कि खिदमत का काम अंजाम दे रही है थर के दूर दराज इलाकों में, उन तक भी हम ये बात पहुंचाते हैं कि अगर एक और प्लांट लग जाए तो ये ज़मीन मज़ीद सरसब्ज बनाई जा सकती है। ये पूरा पीछे जो मैंने आपको दिखाया, पूरा व्यू दिखाया, ये सरसब्ज और शादाब इलाका है। इस पूरे थर के अंदर, सहरा के अंदर, चमकती धूप के ऊपर पड़ने वाली सहरा के अंदर एक खूबसूरत, बहुत ही दिलकश नज़ारा आपको नज़र आ रहा है। इस दिलकश नज़ारा जो हमने दिखाया, इसके पीछे जो मेहनत है, वो बाबू भाई और दिगर जो इनके साथ लोग काम करते हैं, उनकी मेहनत है, और जो
उसके अंदर, और इसमें अलखदमत का भी किरदार है कि उसने प्लांट लगा के लिए। तो बाबू भाई से हम इससे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। तो आप बता रहे थे कि पूरा साल लगाते हैं ये सब्जियाँ? पूरा साल। तो अब मौसम के हिसाब से होती है? मौसम के हिसाब से। ठीक है, तभी यानी सर्दियाँ तो अभी गाजर मूली, सर्दी पे मैं गाजर और मूली, पालक है और प्याज है, धनिया है। जी जी, ये आबादी चार पाँच माह करते हैं। गर्मी के मौसम पे मैं तो हमारा माल है उसके लिए गुजारा करते हैं। बाजरे लगाते हैं, इकड़ी लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं, और चीज ये मिर्च है ना, मिर्च भी लगाते हैं। मिर्च भी लगाते हैं? हाँ, मिर्च भी लगाते हैं और म्याह भी लगाते हैं। अच्छा। हाँ, ये और तूरी है वो भी लगाते हैं। वो भी लगाते हैं। तो खुश हैं आप अलखदमत से? तो खुश है अलखदमत का। ठीक है, हम ये पूछना चाहते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी कोई भी करे काम, जो अच्छा काम कर रहा है और इस गरीब इलाका भी है जाहिर सा, और दूर भी बहुत है, मतलब आम शहरी बात है, तो बड़ी बात है। ये सर ये है, ये मूली है, ये मूली हम आपको दिखाते हैं। बीजे ये अभी निकाली इन्होंने इस फसल से और ये तैयार है। ये तैयार है बिल्कुल। ये भी इसके साथ वाली यानी कि जो आबाद की गई है इसमें भी इसी तरह से पालक और मूली और ये चीज़ें लगाई गई, मगर इस ये ज़मीन जो है ट्यूबवेल से आबाद की गई और ट्यूबवेल का खर्चा बहुत है यहाँ। यानी ये ट्यूबवेल किससे, बिजली से चलाते हैं डीजल से? डीजल। तो डीजल तो बहुत खर्चा होता होगा डीजल का? डीजल तो 150 रुपये लीटर है। 150 रुपये लीटर है डीजल, तो यहाँ तो वाकई बहुत। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो सोलर सिस्टम लगा के दिया गया है यहाँ पर अलखदमत, तो बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ देखें ये यहाँ आपको धनिया की भी फसल दिखाते हैं। ये देखें ये धनिया है, और फिर एक दफ़ा ये मैं आपको बता दूँ कि सारी फसलें इंतहाई किसी भी यूरिया और किसी भी खाद से पाक हैं। ये इनकी ताकत है, कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर, और जो लोग भी इसको खाते हैं यानी कि अपनी सही असल हालत में असल गजाइत फराम करते हैं। ये देखें मैं खा रहा हूँ, ये अकबर भाई खा रहे हैं धनिया। धनिया तो चीज़ ही ऐसी है, सालन में खा लें या वैसे भी खा लें, मज़े की चीज़ है। ये ट्यूबवेल है ना, ये ट्यूबवेल से इसको डीजल से चलाया जाता है। ये पूरा निज़ाम है, लेकिन ये बहुत महंगा सिस्टम है इसको चलाने के लिए। बंदा बस किसी को ये अगर करे तो फिर जाहिर सी बात है इसको तो फिर खर्चा बहुत ज़्यादा है। देखें जी जो खाद इसमें इस्तेमाल की जाती बकरी है, बकरी के भान है जी, बकरी का जो होता है फुजला जो है, फुजला जो होता है वो उससे बनाई जाती है। ये बहुत ताकत, इसमें बहुत ताकत है। अच्छा, ये यूरिया है ना? जी जी, यूरिया कोई भी नहीं, कोई हैसियत नहीं रखते, कोई हैसियत नहीं रखते। यूरिया में तो केमिकल भी होता है, केमिकल, और ये केमिकल से पाक है, केमिकल नहीं है। ये क्या चीज होती है, खरो कहते हैं इसको? इसको खरा कहते हैं, खरा। ये बारिश के बाद जो जिसपे माल जब पक जाता है, जी जी, खरा यानी पक्की जमीन, पक्की रखते हैं, फिर उसको कूटते हैं। अच्छा, फिर उससे माल निकलता है, दाना निकलता है। दाना निकालते हैं सूखने के बाद, सूखने के बाद। तपती रेत जहाँ चलते हुए पांव धस जाते हैं, जब यहाँ से हम सफ़र करते हुए नीचे उतरे और फिर हम हैरत में डूब गए। आपको जैसे कि मैंने अभी दिखा दिया सारा कैसे ज़मीन को, वो कहा ना इकबाल ने कि ज़रा नम हो ये मट्टी तो बड़ी ज़रखेज़ है सारी, यानी कि ज़रा सा बस इसको मेहनत चाहिए, थोड़ा सा इसकी ज़रूरियात और वसाइल मुहैया कर दिए जाएं तो ये लोग इसको सरसब्ज़ बना सकें।